Hi, good morning everyone. Till I die, I drive. जब भी मेरी कोई कीमती कार, मेरा कोई मनपसंद व्हीकल हो तो हम चाहते हैं कि जब तक सांस है ना तब तक इसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहना चाहिए। तो क्यों ना लाइफ को भी कुछ इस तरह लिया जाए, प्रायोरिटाइज किया जाए लाइफ की जो हमारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उसका जो फैसला है, हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, हमारी जो करियर या गोल को रिलेटेड जो हमारी चॉइसेस हैं, लाइफ को लेके हमारे जो डिसीजंस हैं, क्यों ना उनका स्टीयरिंग भी अपने हाथ में रखा जाए, बिल्कुल उसी ऑनरशिप के साथ जिस ऑनरशिप के साथ हम अपना मोबाइल, हम अपनी वॉच, महंगी वाली वॉच है, हमारे जो उसमें वार्डरोब में जो कपड़े हैं इम्पोर्टेड ब्रांड्स वाले, या फिर जिसको आप कह सकते हो कि हमारा कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर है ना, कितनी ऑनरशिप दिखाते हैं हम उसके लिए। तो लाइफ और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, उनके लिए हम ऑनरशिप क्यों नहीं दिखाते। तो आइए अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट फैसलों में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशंस करना शुरू करें। और अगर आपको कभी भी लगे कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय लाइफ, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द राइट वे हाउ टू रीच देयर, तो उसके लिए प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटीज। सबसे पहले आप सही लोगों का हाथ पकड़ें, सही लोगों से बात करें। गलतियां करने से डरना नहीं है, गलतियां ज़रूर करें, लेकिन गलतियां करते करते सही रास्ता ढूंढने की भी कोशिश हमें ज़रूर करनी है। और कभी भी आपके करियर की बात हो, आपकी फिजिकल हेल्थ की बात हो, आपकी मेंटल हेल्थ की बात हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, आपको फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम हो, कितना मज़ा आए जब आप एक ही जगह पे सबके सॉल्यूशंस पा सको। और अगर आपको कोई खुद से आके कहता है कि ये लो मेरा हाथ पकड़ो, और आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ टिल द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ योर लाइफ। जब तक आपको नहीं लगेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट परिंदे की तरह उड़ सकते हो, तब तक हम आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम मतलब यस द माइंड मेंटर्स एट नाइस कंप्यूटर्स, वी कोच योर सोच। बेसिकली हम यहाँ मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर्स की बात नहीं करते, हम आपके स्वस्थ मन की बात करते हैं, जो आपके स्वस्थ तन को साथ लेके, स्वस्थ ऊर्जा के साथ, एक बहुत नए एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को और ज़िंदगी की मुश्किलों को देखने लगते हैं, भले वो मुश्किल कोई भी हो। अरे वो डिप्रेशन या स्ट्रेस भी है तो उसको हम मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा नहीं देंगे, हम वो एक चैलेंज की तरह लेंगे कि एट प्रेजेंट मेरी ज़िंदगी के रास्ते में ये एक मुश्किल आई है। और अगर एक रिलेशनशिप टूटा है तो कोई बात नहीं, ये एक मुश्किल आई है, मैं एक इमोशनल सेंसिटिव इंसान हूँ, मुझे इसमें से निकलने में दिक्कत आ रही है, तो क्यों ना किसी की हेल्प ली जाए। और किसी की कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सपोर्ट के साथ अगर मैं इस बुरे दौर से जल्दी निकल पाऊँ तो बुरा ही क्या है, अच्छा ही अच्छा है। मैं जो आप सब लोगों को इतना सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड करती हूँ, ऑफर करती हूँ, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। फिजिकली एलिमेंट्स में हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब भी हम लोग कहीं इमोशनल ट्रॉमा में होते हैं हम भी अपने कंसल्टेंट से बात करते हैं, अपने मेंटर से बात करते हैं, और हम वो ज़्यादा दुख सहने से बच जाते हैं, जल्दी हम उस पीड़ादायक सफ़र में से बाहर आ जाते हैं। तो लास्ट वीक मेरे लिए बहुत बहुत बुरा रहा है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, ट्रॉमेटिक भी रहा है, लेकिन दोबारा वापस आए हैं हम इस पूरी स्माइल के साथ आपके लिए, अपने लिए, हम सब के लिए। सो जब भी आपको कभी भी लगे कि ज़िंदगी में अंधेरा बढ़ रहा है, मुश्किलें जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो फिर लग जाइए पीछे दी माइंड मेंटर्स के, वो आपको इस मुश्किल से निकाल के दोबारा एक मुस्कुराते हुए सफ़र पे ले चलेंगे। 9417804547 नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, लव यू ऑल।